मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वेटनरी कोर्सेज के लिए एक्सपेक्टेड कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है और कौन कौन से ऐसे टॉप वेटनरी कॉलेज हैं जिनको आपको पहले प्रेफरेंस देना है। तो इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और टॉप कॉलेजेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों का एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता है तो वो वेटनरी चूज करते हैं, बीएमएस चूज करते हैं, तो वेटनरी के उनको टॉप कॉलेज कौन कौन से मिल सकते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। इसके बाद में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आयुष वेटनरी ऑल इंडिया कोटा एमबीबीएस की स्टेट की सारी बुक तैयार है, तो आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देख सकते हैं, कौन से कॉलेज की कितनी कट ऑफ रही है ये भी दे रखा है और टॉप से लोएस्ट के क्रम में कॉलेज भी दिखाई गई है इसमें, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले वेटनरी के टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें वेटनरी के जो सबसे टॉप कॉलेज आता है वो सीवेईएस यानी कि कॉलेज ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज बीकानेर, सबसे टॉप में ये कॉलेज आता है वेटनरी का कॉलेज। इसके बाद में हम दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है, थर्ड नंबर पर कॉलेज वेटनरी साइंसेज लुधियाना और फोर्थ नंबर पर जो पीजीआई वेटनरी इंस्टीट्यूट है जयपुर का वो आता है, फिफ्थ नंबर पर कॉलेज वेटनरी एनिमल साइंसेज उदयपुर का आता है, सिक्स नंबर पर हम देखते हैं यहाँ पर कॉलेज वेटनरी साइंसेज आनंद गुजरात का है, इसके बाद सेवन नंबर पर कॉलेज वेटनरी साइंसेज हिसार है, एट नंबर पर कॉलेज वेटनरी साइंसेज मथुरा है, नाइन नंबर पर कॉलेज वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज पंतनगर है, टेन नंबर की हम बात करें तो डॉक्टर जी सी कॉलेज पालमपुर है, इलेवंथ नंबर पर अगर हम बात करते हैं तो गांधीधाम है गुजरात का गांधीधाम है, ट्वेल्व नंबर पर अगर बात करें तो मुंबई का वेटनरी कॉलेज है, और थर्टीन नंबर पर अगर अब हम बात करें तो जबलपुर और नवसारी फिफ्टीन नंबर का ये कॉलेज है। इसमें इस प्रकार से मैंने ये टॉप 14 कॉलेज बताए आपको, तो इनमें ये कॉलेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं वेटनरी के लिए टॉप से लोएस्ट के क्रम में। अब हम इसकी कट ऑफ की बात करें तो मैं आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे लास्ट राउंड की इसमें, तो ये इसकी जो कट ऑफ रह सकती है 530 मार्क्स के नियर बाय इसकी कट ऑफ रह सकती है, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर बात करें, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बात करें तो 526 पर रह सकती है, एससी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 415 मार्क्स रह सकती है, और एसटी कैटेगरी की 405 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है वेटनरी कॉलेजेस की लास्ट राउंड की। मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, वेटनरी के लिए आपको ऑल इंडिया 15% के लिए जब रजिस्ट्रेशन करना है तो एक ही बार इसमें रजिस्ट्रेशन होता है, बार बार नहीं होता है, उसी रजिस्ट्रेशन के बेस पर आपकी काउंसलिंग चलती रहती है। तो इसमें दो राउंड के काउंसलिंग होती है, इसमें दो राउंड की काउंसलिंग होती है, लास्ट में एक पहले ही सेकेंड राउंड से पहले फीस डिपोजिट करवा लेते हैं, सिक्योरिटी मनी भी डिपोजिट करवाते हैं। इस प्रकार से वो काउंसलिंग प्रोसेस मैंने बुक में समझा दिया है कि कैसे कैसे आपने काउंसलिंग करवानी है वेटनरी की। तो जैसे ही इसके वेटनरी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके विषय द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है, बाकी स्टेट्स अपने अपने काउंसलिंग करवाता है इसमें 85% स्टेट कोटा के लिए, कुछ कुछ स्टेट अपना खुद का भी एग्जाम कंडक्ट करवा के काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये एक जानकारी थी वेटनरी के बारे में। आपसे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।